किसी फिल्म की कहानी की तरह 8 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ा बच्चा आज वापस अपने घर लौट आया है। जानकारी के अनुसार राचकोंडा पुलिस ने 8 साल पहले लापता हुए एक लड़के को फेसबुक के जरिए तलाश करते हुए उसे उसके परिजनों से मिला दिया। राचकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने इस प्रेस मीट में इस केस की मालूमात से मीडिया को अवगत कराया। फेसबुक के जरिए 8 साल बाद एक लापता लड़के को ढूंढने में हमारे ये साइबर क्राइम के पुलिस कामयाब हुए। मौलाली नवोदय नगर कॉलोनी रहने वाली एक सुसन्ना बोल के लेडी, उन्होंने 2011 में कुशेगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दी थी कि उनका लड़का जिसका नाम है दिनेश जेना, ये घर से लापता है। उसके बड़े भाई ने उसको थप्पड़ मारी करके गुस्से में आके वो भाग गया करके, तो उसके बारे में उस समय हमारे कुशेगुड़ा पुलिस ने भी तहकीकात की लेकिन कुछ सक्सेस नहीं मिला था। पिछले साल अगस्त महीना में फेसबुक के ऊपर ये दिनेश जेना लीमा नाम से एक प्रोफाइल और इनके लड़के का जैसे दिखने वाला लड़के का एक फोटो उस लड़के के भाई ने देख लिया और फिर हमारे कुशेगुड़ा पुलिस स्टेशन आके इंस्पेक्टर को बताने के बाद फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को ये मैटर को हमने ट्रांसफर किया था। साइबर क्राइम पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके ये दिनेश जेना लड़का जो है वो अभी कहाँ है तो पंजाब में अमृतसर के पास में एक रनकाला करके जगह है वहां पे है करके मालूम होने के बाद हमारे साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर जालंधर रेड्डी और कांस्टेबल ऑफिसर अशोक और रविंदर रेड्डी इन दोनों को हमने वहां भेजा और फिर ये लड़के को अभी हमने उसके माँ को उसके भाई को मिलवाया है। पिछले 7-8 साल में ये लड़के ने वहां पे पंजाबी अंग्रेजी और हिंदी भी बोलना अच्छा सा सीख लिया है। लड़के को मिलने के बाद माँ को काफी खुशी हुई। ये हिंदी पिक्चर टाइप में एक हादसा हुआ है कि इतने सालों बाद दो बिछड़े हुए भाई फिर से मिल गए या माँ अपने बेटे से फिर से मिल गए।